हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एमसीओ 7 का पेपर में आया हुआ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे कि ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड टोटल या फिर कंबाइंड लेवरेज किस तरीके से निकाला जाता है, क्या फॉर्मूला होता है। आई लेट यू नो। एंड बाकी हम सीखेंगे कि अगर हमें अपना एबिट चेंज करना है या फिर हमें फाइंड आउट करना है कि अगर एबिट चेंज होता है तो न्यू सेल्स क्या होगी, तो वो भी हम इस क्वेश्चन के थ्रू लर्न करेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, रेस्ट आप बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते कर सकते हैं। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चाहे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने को पूछे, फाइनेंशियल लेवरेज निकालने को पूछे या फिर टोटल एवरेज निकालने को पूछा जाए, देन यू कैन अटेम्प्ट इट वेरी इजीली। जस्ट रिमेम्बर हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे एंड आफ्टर दैट विल ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो एक फर्म है जिसकी सेल्स बता रखी है 10 लाख रुपीज की, वेरिएबल कॉस्ट आपको बताई है 7 लाख रुपीज के अंदर, फिक्स कॉस्ट है ₹2 लाख एंड डेप्ट है 5 लाख रुपीज का, 10% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको कैलकुलेट करनी है ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड टोटल या फिर कंबाइंड लेवरेजेस। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन पूछा गया है इसके अलावा, इफ द फर्म वांट्स टू डबल इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि अगर फर्म को अपना एबिट डबल करना है तो हाउ मच इंक्रीज इन सेल्स इज नीडेड, तो कितना आपका सेल्स इंक्रीज करना पड़ेगा। तो बाकी के जो स्टार्टिंग के तीन पार्ट है, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड टोटल लेवरेज, इनको कैलकुलेट करना तो बहुत ईजी है। बाकी ये जो पोर्शन है जिसमें आपको इंक्रीज इन सेल्स बतानी है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है एंड दैट इज हाउ यू कैन ऑब्टेन 20 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपका वर्किंग नोट बनाया हुआ है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वर्किंग नोट इज अवेलेबल। तो हमारी ये है कैलकुलेशन टेबल, एक तरफ है आपका पर्टिकुलर, दूसरी तरफ है रुपीस। तो अब कौन कौन से हमने यहाँ पर पॉइंटर्स लिए हैं, सबसे पहले आपका आएगा सेल्स। जब भी आप टेबल बनाएंगे तो बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। सेल्स की जो भी वैल्यू है हमने यहाँ पर मेंशन करी, तो 10 लाख रुपीज इज द सेल्स अमाउंट। वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना होता है सेल्स में, तभी आपको मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव आउट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है 7 लाख रुपीज की। तो अगर आप कैलकुलेट करो यहाँ पे 7 लाख रुपीज जो दे रखी है, ठीक है, तो कितने परसेंट होगा सेल्स का, अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज निकालना है तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 70%। तो जो टोटल हमारा सेल्स का अमाउंट होगा, यानी जो टोटल रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे, उसमें 70% हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, सो नाउ अभी हम बात करते हैं आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 3 लाख रुपीज का है। अब जो फिक्स कॉस्ट है हम उसको माइनस करेंगे, जो फिक्स कॉस्ट में से आप फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे आप कंट्रीब्यूशन के अमाउंट में से, तो आपको मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जो फिक्स कॉस्ट है, सिंस आप उसको किसी सिंगल यूनिट पर नहीं डिडक्ट कर सकते, आपको क्या करना है, टोटल जो भी फिक्स कॉस्ट आपने अप्लाई करी है, यू नो, बेयर करी है, वो आपको माइनस करनी है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो हमें क्वेश्चन में बता रखी है अगर हम देखें तो वो है 2 लाख रुपीज की। तो 2 लाख रुपीज बेसिकली हम यहाँ से डिडक्ट कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि निकला है लगभग 1 लाख रुपीज का। नाउ अब बात करेंगे हमारे इंटरेस्ट की। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जब इंटरेस्ट को आप हटा देंगे लिस्ट में से, तो आपको अर्निंग बिफोर टैक्स मिल जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में EBT बोलेंगे। ओके, तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है दैट इज 10% ऑफ ₹5 लाख। तो डेट हमने लिया है 5 लाख रुपए का और इस पे 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 10% 5 लाख का होगा लगभग 50 लाख रुपए। फाइनल हमारा जो ईबीटी का अमाउंट निकलेगा दैट वुड बी 50,000। तो हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फिगर है, एक तो हमारे को EBIT यानी एबिट की रिक्वायरमेंट है, फिर ईबीटी की रिक्वायरमेंट है जो कि लगभग 50,000 रुपीज है, ठीक है, और बाकी की जो भी डेटा हमें रिक्वायर्ड होगी हम अपने वर्किंग नोट के थ्रू यूज करके उसको पुट कर लेंगे अपने फॉर्मूला में। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एबिट और ईबीटी के थ्रू हम जो हमारे बेसिक तीन पॉइंट्स है, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड टोटल लेवरेज, उनको निकाल सकते हैं।
चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे अपने ऑपरेटिंग लेवरेज को। तो किस तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज को कैलकुलेट करना है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एबिट। यानी कि एबिट और कॉन्ट्रीब्यूशन को आपको यूज करना है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन को डिवाइड जब हम कर देंगे एबिट से, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज। तो कॉन्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी है हमारी, 3 लाख रुपीज की है। सो 3 लाख रुपीज वी पुट इन दी कॉन्ट्रीब्यूशन पार्ट, 1 लाख रुपीज इज दी एबिट अमाउंट। हमारा जो फाइनल आ गया ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री को कैंसिल कर दीजिएगा यहाँ से, ऑपरेटिंग लेवरेज की जो वैल्यू आ गई दैट इज 3। तो हमने यहाँ से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में हमें क्या मिल गया आपका, ऑपरेटिंग लेवरेज जो कि है लगभग 3। ओके, वेरी सिंपल, जस्ट यूज द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं हमारा फाइनेंशियल लेवरेज। तो किस तरीके से फाइनेंशियल लेवरेज को हम कैलकुलेट करेंगे, सेकंड पॉइंट। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एबिट को डिवाइड करना है ईबीटी से, एबिट डिवाइडेड बाय ईबीटी विल गिव आउट फाइनेंशियल लेवरेज। अब फाइनेंशियल लेवरेज में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 लाख रुपीज इज द अमाउंट ऑफ एबिट, 50,000 हमने जो ईबीटी निकाला। तो एबिट और ईबीटी हमारी वैल्यू पुट करने के बाद में फाइनेंशियल लेवरेज की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ओके, तो आई एम श्योर कि फाइनेंशियल लेवरेज भी आपको समझ में आ चुका होगा क्या करना है, एबिट को ईबीटी से डिवाइड करना है, ऑपरेटिंग लेवरेज में आपको कंट्रीब्यूशन को एबिट से डिवाइड करना है, दैट्स इट द आंसर। नाउ अब हम बढ़ते हैं टोटल लेवरेज या फिर कंबाइंड लेवरेज कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के हम दो तरीके सीखेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे टोटल या फिर कंबाइंड लेवरेज। तो ये जो बेसिक तरीका है आप यूज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, चाहे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने को बोले या फिर आपका नहीं पूछा जाए, इवन आपसे अगर आपका फाइनेंशियल लेवरेज निकालने को भी पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, डजंट मैटर। अगर ये दोनों निकालने को पूछा जाए तो हम एक न्यू तरीका यूज करेंगे, विच आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं जो उसका बेसिक फॉर्मूला है टोटल या फिर कंबाइंड लेवरेज निकालने के लिए। आपको क्या चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए और ईबीटी यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स चाहिए। तो जब आप कॉन्ट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे ईबीटी से, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल या फिर कंबाइंड लेवरेज। टोटल कंबाइंड लेवरेज चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 3 लाख रुपीज इज द कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट, 50,000 इज द ईबीटी अमाउंट। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया 6 आ गया, ठीक है। टोटल और कंबाइंड लेवरेज का आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। नाउ अब दूसरा मेथड यूज करेंगे, सिंस इस क्वेश्चन में हमसे ऑपरेटिंग लेवरेज भी निकालने को पूछा गया एंड फाइनेंशियल लेवरेज। आप चाहें तो इतना लिखने की जगह सिंपल उन दोनों की वैल्यूज को भी पुट कर सकते हैं। तो टोटल कंबाइंड लेवरेज का ये सेकेंड आपका फॉर्मूला आ चुका है, जिसमें आपको ऑपरेटिंग लेवरेज को मल्टीप्लाई कर देना है फाइनेंशियल लेवरेज से। जब आप ऑपरेटिंग लेवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनेंशियल लेवरेज के साथ में, तो आपको मिल जाएगा टोटल या फिर कंबाइंड लेवरेज। तो यहाँ पर टोटल कंबाइंड लेवरेज क्या है, 3 हमारा निकला था ऑपरेटिंग लेवरेज, 2 निकला था हमारा क्या, फाइनेंशियल लेवरेज, जो कि हमने देखिए यहाँ निकाला पार्ट बी में और पार्ट ए में। तो हमारा टोटल कंबाइंड लेवरेज फाइनली कितना गया, 6, यानी कि 6 आंसर। आप देख लीजिए कोई भी मेथड यूज कीजिए दोनों में से, आपका आंसर वही आना है, बस थोड़ा सा जो आप डेटा निकाल रहे हैं उसका रिक्वायरमेंट या उसका यूज करेंगे आप। जब पॉइंट्स में वैल्यू आएंगी तब आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपने ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज निकाला, तो टाइम सेव करने के लिए आप इस फॉर्मूले को ही यूज कीजिएगा। तो अभी तक हमने जो इजी पार्ट थे वो सॉल्व कर लिए, नाउ अब हम अगला जो लास्ट पार्ट है बेसिकली इस क्वेश्चन का, उसको डिस्कस करते हैं। तो अभी हमें निकालना है रिक्वायर्ड इंक्रीज इन सेल्स टू डबल द एबिट। एबिट यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा अगर डबल हो जाता है, तो उस केस में हमारी रिक्वायर्ड इंक्रीज इन सेल्स क्या होगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर टेबल बनाया है, इस तरह का टेबल आप भी बना सकते हैं एग्जाम में। तो हमारा जो न्यू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2x, दैट मीन्स पिछला था 1 लाख रुपीज का, अभी हो गया हमारा डबल यानी कि 2 लाख रुपीज का हो गया, ठीक है। नाउ फिक्स कॉस्ट जो हमने पहले माइनस किया था, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी यूज करेंगे, रिवर्स फॉर्मूला यूज करेंगे बेसिकली। तो अब हमने जो पहले माइनस किया था क्या निकालने के लिए, एबिट में से अगर हम देखें तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था इनिशियली, तो उसमें हमने क्या करा था, एबिट में पहले हमने कॉन्ट्रीब्यूशन में से माइनस करा था फिक्स कॉस्ट को, तब जाके हमारा एबिट निकला था। अब हम यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन निकल आएगा, वैसे ही हम यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर देंगे कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ, मतलब सेल्स निकल आएगा। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे यहाँ पे, जिससे कि हमें अपना सेल्स का अमाउंट पता चल जाए।
तो यहाँ पर हमारा फिक्स कॉस्ट क्या था, हमने कंसीडर किया फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही होता है, तो वो चेंज नहीं होगा, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम 2 लाख रुपीज जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें आपका वेरिएशन आएगा, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 70% ऑफ द सेल्स अमाउंट। तो अगर 70% आपकी वेरिएबल कॉस्ट है सेल्स अमाउंट की, तो 30% आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी है, तो 70 + 30 इन दोनों को मिलकर ही तो आपका सेल्स का अमाउंट बन रहा था। तो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन की जो आपकी वैल्यू है इन दोनों को टोटल करके मिल जाएगी, जो कि है 4 लाख रुपीज की। अब हम क्या करेंगे, इस 4 लाख रुपीज का 30% निकाल लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा न्यू सेल्स का अमाउंट मिल जाएगा। और फिर आप चाहें तो उसके थ्रू वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, ये पूछा नहीं है लेकिन आई हैव जस्ट मेंशन्ड इट हियर। तो अब किस तरीके से यहाँ पर हम निकालेंगे न्यू सेल्स की वैल्यू बाय यूजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, चलिए आगे की स्लाइड से क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एक फॉर्मूला है ये लगेगा इस तरह का, आपने मैथ्स में भी पढ़े होंगे कि किसी वैल्यू का कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे परसेंटेज। तो 30% हमें निकालना है सेल्स का, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। तो 30% ऑफ सेल्स, अभी हमारा न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट है विच इज ₹4 लाख, तो हमारी यहाँ पे जो न्यू सेल की वैल्यू आएगी वो ये मिल जाएगी आपकी। तो 4 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 30, सिंस परसेंटेज में था तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के टाइम पे ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ, तो यही हमने यहाँ पे पुट किया वैल्यू को, देख लीजिए। एंड सेल्स हमारी जो फाइनल फिगर आएगी वो आएगी ₹13,33,333। तो ये हमारी निकली नई सेल्स की अमाउंट। अब हमें देखना है कितना इंक्रीज चाहिए ताकि हमारा जो न्यू एबिट है वो अचीव हो सके, तो उसके लिए हमें आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करनी है। तो आपकी स्लाइड आ चुकी है स्क्रीन पर। तो रिक्वायर्ड इंक्रीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नई सेल्स अमाउंट में से ओल्ड सेल्स का अमाउंट माइनस कर देंगे, तो नया सेल्स का अमाउंट है 13,33,333, और 10 लाख रुपीज हमारी ओल्ड सेल्स थी, तो हमारा न्यू अमाउंट आ गया 3,33,333। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड इंक्रीज इन सेल्स, जिससे कि हमारा जो एबिट है वो डबल हो सके, यानी कि 2 लाख रुपीज का हो सके। आई एम श्योर कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो क्वेश्चन हम आपका साइलेंट था इस बारे में कि वेरिएबल कॉस्ट के साथ क्या होगा, तो आप अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट सेम नहीं रहेगी, और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को चेक किया जाएगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक अच्छे हैं कि नहीं है। जैसा कि नॉर्मल होता है, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएट करती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, और हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स रहती है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। तो आई एम श्योर वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।